गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास बिहार बोर्ड जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें रेनबो पार्ट टू में जो पोएम चल रहा है उसमें आज का नेक्स्ट पोएम है द सोल्जर, जिसके राइटर है रॉबर्ट ब्रूक, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका नेक्स्ट पोएम है। आज इस क्लास में हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और लाइन बाई लाइन पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्लास में समरी और उसके बाद और कुछ टॉप 10 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम कवि जो राइटर हैं, जो पोएट है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, रॉबर्ट ब्रूक का जन्म जो है 1887 एंड डाइट 1915 में हुई थी, ठीक है। इनकी मौत 1915 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, इनकी एक जन्म जो है एक बहुत ही अच्छे खासे पढ़े लिखे फैमिली में हुई थी। एक बार की बात है, देखिए यहाँ लिखा है डब्ल्यू बी एट्स, जो द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज, डब्ल्यू बी एट्स जो एक फेमस पोएट थे हैं भी, इनके बारे में डिस्क्राइब क्या किया था, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। उनके नज़र में, उनके हिसाब से, उनकी पोएट्री के हिसाब से, लिखावट के हिसाब से, जो रॉबर्ट ब्रूक थे इंग्लैंड के इतिहास में उस समय के सबसे हैंडसमेस्ट तो नहीं होना चाहिए, मोस्ट हैंडसम होना चाहिए, क्योंकि डिग्री में हम लोग पढ़े भी हैं मोस्ट हैंडसम, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, क्योंकि टू सिलेबल का है। चूँकि डब्ल्यू बी एट्स लिखे उस समय ग्रामर डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए हैंडसमेस्ट हो गया है। तो इनके हिसाब से जो रॉबर्ट ब्रूक थे वो सबसे सुंदर और सबसे यंग और सबसे एनर्जेटिक, अपने देश के बारे में सोचने और लिखने वाले सबसे यंग पोएट थे कौन, रॉबर्ट ब्रूक। ये कौन लिखते हैं, डब्ल्यू बी एट्स, जो एक महान लिटरेचर के क्षेत्र में हस्ती थे, ठीक है फ्रेंड्स। ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया। सेप्टिसिमिया का मतलब क्या होता है मैं आप बता देता हूँ, पहले लाइन पढ़ लें। ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑन 23 अप्रैल 1915। इनकी मौत जो है, चूँकि ये एक सोल्जर थे और नेवी में थे, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय यह टर्की में मिशन के लिए निकले थे, ठीक है ना, टर्की मिशन पर निकले थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। उसी समय नेवी में जब यह जहाज से जा रहे थे तो एक समुद्री कीड़े ने इसको काट लिया, ठीक है ना, काट लिया। और सेप्टिसिमिया का मतलब होता है विषक्त, माने चारों तरफ शरीर में विष फैल जाने के कारण इनकी मौत हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू द बैटल ऑफ गावीपोली। ओके फ्रेंड्स, यह उस युद्ध में जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय लौट रहे थे, ठीक है ना, सॉरी जा रहे थे, तो उस समय इनको क्या हो गया, यह एक कीड़ा काट लिया जिसके कारण इनकी मौत हो गई। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं ब्रूक। ब्रूक रिमेंबर्ड एज वार पोएट। ओके फ्रेंड्स, जो कवि हैं, यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस टाइप के कवि हैं, वार पोएट हैं, चिल्ड्रेन पोएट हैं, कि आपका लव पोएट हैं, कि मेटाफिजिकल पोएट हैं, तो आपको वार पोएट याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्रूक जो थे, रॉबर्ट ब्रूक, वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले फेज तक इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है। जो भी पोएम लिखे हैं जो दिखाता है कि यह इनकी पोएम जो है देशभक्ति से ओतप्रोत है, ठीक है फ्रेंड्स, देशभक्ति से ओतप्रोत है। इस देशभक्ति के नाम पर मुझे एक शायर याद आती है, किसी कवि ने कहा है कि इस ज़माने में देखे हैं आशिक बहुत, इस ज़माने में देखे हैं आशिक बहुत, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। इस ज़माने में देखे हैं आशिक बहुत, लेकिन इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। दौलत में लिपट कर, सोने में सिमट कर, ना जाने मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह एक ऐसे कवि हैं जो अपने वतन के बारे में लिखते थे और बहुत ज़्यादा अपने वतन से प्यार करते थे, जो हर एक सैनिक का एक फ़र्ज बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं पोएम में लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, आइए पोएम की पहली जो पैराग्राफ जो यहाँ दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लिखा है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड डैट इज
फॉर एवर इंग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, मतलब कवि की यहाँ इच्छा है कि वह किसी युद्ध के मैदान में जा रहा है और सोल्जर जब जाते हैं तो अपने देश के प्रति क्या भाव रहता है, यह यहाँ दिखा रहा है कि इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं युद्ध के मैदान में शहीद हो जाऊँ, मेरे देशवासियों, मेरे इंग्लैंड के देशवासियों, चूँकि यह पोएम इंग्लैंड का है, लेकिन चूँकि एक सैनिक जो है वह एक सैनिक, हर देश के सैनिक एक जैसे होते हैं और हर सैनिक अपने मातृभूमि के प्रति एक ही भाव रहता है, इसलिए हमारे इंडिया में इस पोएम को हमारे बिहार में भी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहे कवि कि यदि मैं लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाऊं, युद्ध के मैदान में शहीद हो जाऊं, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड डैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, कि वहीं पर जहां मैं शहीद हो जाऊंगा और जितना दूर तक मेरी बॉडी कवर होगी वह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की धरती हो जाएगी, वह विदेश में यदि मेरी शरीर जहाँ तक उस धरती को ढक ले तो वहाँ तक इंग्लैंड की धरती हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। यह कवि का भाव है अपने देश के प्रति, अपने लोगों से कह रहा है कि यदि मैं लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाऊँ और जिस जगह पर मेरी बॉडी अगर रहती है तो वह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की धरती मान ली जाएगी। ठीक, देयर शैल बी, और वहीं पर रहेंगी, यह हमेशा के लिए रहेंगे। क्यों? इन डैट रिच अर्थ, क्योंकि हमारी जो धरती है वह बहुत धनी धरती है, इंग्लैंड की जो धरती है वह बहुत धरती, वह धरती बहुत धनी है। जिस धरती से मैं आया हूँ, जिस धरती में मैं पला बड़ा था, वह बहुत धनी है, और रिचर डस्ट कंसील्ड, और उससे जब दूसरे धनी धरती में, उससे भी बड़े धनी धरती में जब मैं कंसील्ड हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा, तो उससे भी धनी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो हमारी धनी धरती है, अगर मैं दूसरे मिट्टी में मिल जाऊंगा, हमारी जो मिट्टी धनी है, यदि मैं जहां लेटूंगा उस मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, तो उससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, धनी हो जाएगी, वहाँ की धरती धन्य हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यह कह रहा है कवि। आगे देखिए, क्योंकि मुझे पता है अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वह मिट्टी का धूल, वह कण जिसमें मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ, सिप जिसने मुझे आकार दिया, मेड अवेयर जिसने मुझे संज्ञान बनाया, मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, यह वही धरती है जिस धरती ने मुझे फूल दिया प्यार करने के लिए, हर वेज टू रोम, यह वही धरती है जिसने मुझे रास्ता दिया घूमने के लिए, टहलने के लिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, है ना, तो मैं समझता हूँ कि यह बॉडी इंग्लैंड की है, यह बॉडी जो है वह पूरी तरह से इंग्लैंड की है, और इस बॉडी पर अधिकार सिर्फ हमारी इंग्लैंड की धरती की है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और जब भी मैं सांस लिया खुले हवा में, खुले आसमान में जब मैं सांस लिया, तो अपनी धरती के खुले आसमान में सांस लिया, इसलिए मेरा शरीर, मेरा बॉडी पर सब जितना कुछ भी है सब अधिकार मेरे इंग्लैंड की धरती पर। आइए दूसरे में पैराग्राफ में देखते हैं, उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए कभी कहते हैं, वास्ट बाई द रिवर्स, जिस इंग्लैंड की धरती ने मुझे रास्ता दिया घूमने के लिए, फूल दिया प्यार करने के लिए, है ना, तो इसी इंग्लैंड की धरती ने, यहाँ की नदियों ने मुझे क्या किया, नहलाया, धुलाया, साफ सुथरा किया, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और मैं अपने घर से, मैं इस सूर्य के प्रकाश से आशीर्वाद लेता रहा अपने घर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी धरती की जो इसके ऊपर कर्ज है उसको हलाते ब्याह कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है, यदि इतना कर्ज मेरे शरीर पर है और यदि मैं लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाऊँगा तो क्या होंगी, आगे यह क्या करते, इसके बाद क्या होंगी, इसके बाद की बात करता है, एंड थिंक दिस हर्ट, और सोचना कि यह दिल, ऑल इविल सेड अवे, अगर ये घटना मेरे साथ हो जाती है और मैं शहीद हो जाता हूँ तो समझ लेना कि मेरे शरीर की सारी पाप, सारी बुराइयाँ धुल गई, मिट गई और ख़त्म हो गई, और मेरा दिल पवित्र हो गया, मेरा शरीर पवित्र हो गया, और क्या, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, और जो मेरे शाश्वत दिमाग में, मेरे नस नस में अपने देश के प्रति जो धड़कता हुआ दिल है वो कभी कम नहीं होगा, नो लेस कभी कम नहीं होगा, और इतना ही नहीं, गिव्स समवेयर बैक इन द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन,
क्योंकि जो इंग्लैंड के थॉट ने मुझे मिला था, यहाँ की इस धरती के जो सोच, जो विचार, जो संस्कृति, जो ताकत मुझे मिली थी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसी तरह से यह मैं दृश्य देख, जो दृश्य मैंने इस धरती से देखा था, जो आवाज़ें मैंने इस धरती से सुनी थी, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो मैं अपने पुराने दिन की तरह मैं खुशी खुशी से सपना देखता रहूँगा। कब? जब मैं इस धरती पर लड़ाई के मैदान में अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कहीं से किसी तरह की कमी हुई है। मैं उसी तरह से खुशी खुशी सपना देखता रहूँगा, और इतना ही नहीं, लाफ्टर, हंसता रहूँगा। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो मैंने दोस्तों से सीखा था, जो कुछ भी मैंने दोस्तों से सीखा था, जो सच्चाई, जो विनम्रता, जेंटलनेस का मतलब होता है विनम्रता, जो विनम्रता मैंने दोस्तों से सीखा था, इन हार्ट एट पीस, इस दिल में जो मेरे शांति थी अंडर एन इंग्लिश हेवन, वह जाकर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यदि मैं अपनी मातृभूमि के लिए बाहर जाकर मैं शहीद हो जाता हूँ, अपने देश को बचाते बचाते मैं शहीद हो जाता हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी जो पहले थी। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिलेंगी, और ऐसा नहीं है कि मैं उसे उन तमाम चीज़ों से बिछड़ जाऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का पोएम आपका। आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, आगे भी मैं आपको इसका समरी बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।